हेलो, वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और यहाँ आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसमें कि हमारा टॉपिक चल रहा था इन्वर्टिबल फंक्शंस। तो पिछले वीडियो में इन्वर्टिबल फंक्शंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या? सबसे पहली चीज़ तो ये कि इन्वर्टिबल फंक्शन होता क्या है। तो अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है फ्रॉम एक्स टू वाई, तो एक ऐसा, और वो फंक्शन कह रहा है कि अगर आप उसमें कोई इनपुट एक्स डालेंगे तो वो उसको वाई बना के आपको देगा। तो एफ़ का इन्वर्स एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि डिफाइंड होगा फ्रॉम सेट वाई टू सेट एक्स, और उस इन्वर्स में अगर आप वाई डालेंगे तो वो आपको उसको वापस से एक्स बनाकर देगा। तो एफ फंक्शन क्या कर रहा है, एफ फंक्शन में आप एक्स डाल रहे हैं तो वो आपको उसे वाई बनाकर दे रहा है। तो एफ़ का इन्वर्स क्या करेगा, उसमें अगर आप वाई डालेंगे तो वो आपको वापस से एक्स बनाकर देगा। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने इन्वर्टिबल फंक्शंस की देखी थी वो ये कि सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस के ही इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, ओनली बाइजेक्शंस हैव इन्वर्सेस। बाइजेक्शंस का मतलब क्या है, एक ऐसा फंक्शन जो कि वन वन है और ऑन टू है, सिर्फ उसी का इन्वर्स होता है। अगर कोई फंक्शन मैनी वन है या कोई फंक्शन इन टू फंक्शन है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तीसरी चीज़ हमने देखी थी कि अगर एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है एक्स टू वाई, और आप उसका और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करता है फ्रॉम वाई टू एक्स, तो आप एफ और एफ इन्वर्स का जब भी कंपोजिशन बनाएंगे आपको एक आइडेंटिटी फंक्शन ही मिलेगा। अगर आप बनाएंगे एफ ऑफ एफ इन्वर्स तो ये आपको निकाल कर देगा आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट वाई, सेट वाई का एक आइडेंटिटी फंक्शन, यानी वाई का आप जो एलिमेंट इसमें डालेंगे वही एलिमेंट आपके पास निकल कर आएगा। और अगर आप बनाएंगे एफ इन्वर्स ऑफ एफ तो ये आपको निकाल कर देगा आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट एक्स, यानी इसमें आप एक्स एक्स सेट की जो भी वैल्यू डालेंगे फाइनली आपको ये फंक्शन, ये कंपोजिशन फंक्शन वही वैल्यू निकाल कर देगा। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। अगर एफ एक फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई और जी एक फंक्शन है फ्रॉम वाई टू जेड, और ये दोनों इन्वर्टिबल फंक्शंस हैं, दोनों इन्वर्टिबल फंक्शंस हैं, ये दोनों ही पक्के से बाइजेक्टिव फंक्शंस होंगे, बाइजेक्टिव फंक्शंस ही इन्वर्टिबल होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप इनकी कंपोजिशन बनाएंगे गॉफ तो वो भी इन्वर्टिबल होगी, गॉफ भी इन्वर्टिबल होगी। हाँ बिल्कुल होगी, क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि अगर एफ और जी इन्वर्टिबल, एफ और जी बाइजेक्शंस हैं तो उनका कंपोजिशन भी बाइजेक्शन ही होता है। तो यहाँ पर हमें क्या पता है, एफ कैसा है, एफ एक बाइजेक्टिव फंक्शन है यानी बाइजेक्शन है, और जी भी कैसा है, जी भी एक बाइजेक्शन है। क्यों हम श्योरली कह सकते हैं कि ये दोनों बाइजेक्शन हैं, क्योंकि सिर्फ बाइजेक्शंस ही इन्वर्टिबल होते हैं। अगर ये इन्वर्टिबल है तो हमें पक्के से पता है कि एफ और जी बाइजेक्शन है। तो इसका मतलब क्या है, इनकी जो कंपोजिशन हम बनाएंगे वो भी एक बाइजेक्शन ही होगी। ये हमने पढ़ा था कहाँ पर, जब हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की आपने वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर हमने ये चीज़ पढ़ी थी। अगर गॉफ बाइजेक्शन है इसका मतलब गॉफ भी एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक है। दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं कि गॉफ का इन्वर्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, गॉफ का इन्वर्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स। ये चीज़ हमें अब यहाँ पर प्रूव करनी है। कैसे करेंगे, पहले तो सारी बातें हम ये लिख लेते हैं। f एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है x टू y, तो f इनवर्स की अगर हम बात करें वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, वो डिफाइंड होगा सेट y टू सेट x, ठीक है। ऐसे g एक फंक्शन हमें गिवन है जो डिफाइंड है y टू z, तो g इनवर्स एक फंक्शन होगा जो डिफाइंड होगा z टू y।
अगर हम गॉफ बनाएंगे इनकी कंपोजिशन, तो गॉफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगी? एफ़ के डोमेन से जी के कोडोमेन तक. तो एफ़ के डोमेन से जी के कोडोमेन तक, तो ये डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है? एक्स टू जेड, क्योंकि पहले इसमें जो भी हम वैल्यू डालेंगे वो एफ़ को मिलेगी, तो एफ़ से वही वैल्यूज़ लेगा जो इसके डोमेन में प्रेजेंट होंगी. तो डोमेन हो गया गॉफ का एक्स, और वैल्यूज़ निकाल कर कौन दे रहा है? जी फंक्शन निकाल कर दे रहा है, तो कोडोमेन हो गया इसका जेड. अगर गॉफ डिफाइंड है एक्स टू जेड, तो गॉफ का इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा? वो डिफाइंड होगा फ्रॉम सेट जेड टू सेट एक्स. ठीक है, एक चीज़ और अगर हम देखें अब, क्योंकि दूसरा फंक्शन हमें क्या दिया, दूसरी कंपोजिशन एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स. एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होनी चाहिए? तो इसमें हम जो भी वैल्यू डाल रहे हैं वो पहले जा रही है जी इनवर्स के पास, तो ये इसका डोमेन होगा वही जो जी इनवर्स का डोमेन होगा. जी इनवर्स का डोमेन दिखाई दे रहा है हमें जेड, तो इसका डोमेन भी जेड होगा. और जो भी वैल्यू को जी इनवर्स ने इसको इसकी जो भी इमेज निकाल कर दी वो मिल रही है एफ़ इनवर्स को, तो फाइनल जो रिज़ल्ट निकाल कर हमें दे रहा है वो दे रहा है एफ़ इनवर्स. तो एफ़ इनवर्स रिजल्ट कहाँ से निकाल कर देगा? अपने को डोमेन में से. तो इसका को डोमेन होगा जो एफ़ इनवर्स का को डोमेन है, यानी सेट एक्स. तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पर दिखाई दे गई कि गॉफ इनवर्स और एफ़ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स दोनों का डोमेन और को डोमेन सेम है, सेम डोमेन एंड को डोमेन. इसका मतलब ये चीज़ तो चलो दोनों की सेम हो गई. अगर हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन इस फंक्शन के इक्वल है, तो इनके को डोमेन और को डोमेन तो सेम होने ही चाहिए, तभी ये फंक्शंस इक्वल कहलाएंगे. दूसरी बात और क्या होनी चाहिए कि इस फंक्शन में हम जो भी वैल्यू डाल रहे हैं, कोई भी एक्स वैल्यू डाल रहे हैं, तो ये फंक्शन उसकी जो इमेज बना रहा है उस एक्स पर ये फंक्शन भी उसकी सेम ही इमेज बनाकर देगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों फंक्शंस सेम फंक्शंस हैं. तो यहाँ हमें डोमेन और को डोमेन तो इन दोनों के सेम मिल गए, ये एक अच्छी बात हो गई. अब हमें प्रूव करना है कि दिस इज़ इक्वल टू दिस. एक चीज़ जो हम पहले से जानते हैं वो ये कि किसी फंक्शन का हम उसके इनवर्स के साथ में जब भी कंपोजिशन बनाते हैं हमें हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है. तो अगर हम गॉफ का कंपोजिशन बनाएंगे गॉफ के इनवर्स के साथ, गॉफ के इनवर्स के साथ अगर हम इसका कंपोजिशन बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा. और गॉफ के इनवर्स, गॉफ ऑफ गॉफ इनवर्स में आप वैल्यूज़ कहाँ से डालेंगे? वैल्यूज़ डालेंगे जो गॉफ इनवर्स को चलती होंगी, यानी जेड की वैल्यूज़ डालेंगे. गॉफ इनवर्स इसको एक्स बना देगा, वो एक्स वैल्यू किसे मिलेंगी? वो गॉफ को मिलेंगी. गॉफ एक्स को वापस से जेड बना देगा. तो जेड का कोई एलिमेंट आपने इसमें डाला है और जेड का वही एलिमेंट आपको वापस मिल रहा है, तो ये क्या बन रहा है? आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट जेड. ऐसे अगर आप गॉफ इनवर्स ऑफ गॉफ बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? इस बार भी आपको आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा, लेकिन किस सेट पर मिलेगा? आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट एक्स. एक्स की वैल्यूज़ आप इसमें डालेंगे, गॉफ उसको जेड बनाएगा, जेड मिलेगा गॉफ इनवर्स को, वो उसको वापस से एक्स बना देगा. तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स, ये हमें पता है कि ऐसा तो होता ही है. अगर हम किसी तरह से ये प्रूव कर दें कि गॉफ का एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के साथ अगर हम कंपोजिशन बनाएं तो भी हमें यही आइडेंटिटी फंक्शंस मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि गॉफ इनवर्स और एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक ही चीज़ है. वही हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे. कैसे करेंगे तो देखते हैं आगे. हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले गॉफ का कंपोजिशन हम बनाते हैं. गॉफ इनवर्स की जगह हम क्या ले रहे हैं? एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स. तो हम इसका कंपोजिशन बना रहे हैं एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के साथ में. देखते हैं हमें क्या वैल्यूज़ मिलती हैं. अगर हमें आइडेंटिटी फंक्शन ऑन जेड ही मिल गया तो इसका मतलब क्या है? दिस फंक्शन, दिस कंपोजिशन फंक्शन इज इक्वल टू दिस कंपोजिशन फंक्शन. तो अब हमें ये भी पता है कि फंक्शंस की कंपोजिशन एसोसिएटिव होती है, तो ये ब्रैकेट्स हम कहीं भी लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ इनवर्स हम पहले निकाल लेते हैं ऑफ जी इनवर्स, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये किसके इक्वल हो गया? जी ऑफ,
अब एफ ऑफ एफ इनवर्स किसी फंक्शन की अपने ही इनवर्स के साथ में अगर आप कंपोजिशन बनाते हैं तो आपको क्या मिलता है, आइडेंटिटी फंक्शन ही मिलता है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, जो भी वैल्यू आप इसको देंगे वो पहले मिलेगी एफ इनवर्स को, एफ इनवर्स को मिलेगी, यानी वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं वो सेट वाई से। एफ इनवर्स ने बना दिया इसको एक्स, वो एक्स किसे मिल रहा है, अब वो मिल रहा है एफ फंक्शन को, एफ फंक्शन को एक्स मिला, उसने इसको वापस से क्या बना दिया वाई, वाई का जो एलिमेंट आपने इसमें डाला वाई का वही एलिमेंट आपको वापस मिला। तो ये तो इक्वल हो गया आइडेंटिटी ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट वाई। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट वाई ऑफ जी इनवर्स। अब जी ऑफ आई वाई, आइडेंटिटी फंक्शन के साथ किसी फंक्शन की हम कंपोजिशन बनाते हैं, तो हम पीछे कंपोजिशन वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि वो हमें फंक्शन वापस निकाल कर देता है। कैसे, वाई के आइडेंटिटी फंक्शन में आप वाई की कोई वैल्यू डालोगे और वो आपको वही वैल्यू निकाल कर देगा। तो ये तो बन गया वाई का ही एलिमेंट, वो वाई का एलिमेंट किसे मिला, जी फंक्शन को, तो उसने उसको सेट बना दिया। तो जी तो कर ही यही रहा है, वाई का कोई एलिमेंट ले रहा है और उसको जेड का कोई एलिमेंट बना रहा है। तो जी ऑफ आई वाई ये तो हमारे पास जी फंक्शन ही निकल कर आ गया, तो ये बन गया जी ऑफ जी इनवर्स। जी ऑफ जी इनवर्स का मतलब क्या है, किसी फंक्शन का अपने इनवर्स के साथ में कंपोजिशन यानी आइडेंटिटी फंक्शन। और जी इनवर्स वैल्यू कहाँ से ले रहा है, जेड से ले रहा है, उसको वाई बना रहा है, ये वाई मिल रहा है जी को, वो उसको वापस जेड बना रहा है, यानी जेड का जो एलिमेंट आपने यहाँ डाला जेड का वही एलिमेंट आपको वापस मिला। तो ये बन गया आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट जेड। तो गॉफ का गॉफ इनवर्स के साथ कंपोजिशन भी आइडेंटिटी फंक्शन ऑन जेड दे रहा था, और गॉफ का एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के साथ कंपोजिशन भी आइडेंटिटी फंक्शन ऑन जेड ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से तो हमें पता चल रहा है कि ठीक है, ये दोनों फंक्शंस इक्वल हो सकते हैं। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, गॉफ इनवर्स ऑफ गॉफ, ये हम देख रहे हैं कि आइडेंटिटी ऑन एक्स के इक्वल होता है। तो गॉफ इनवर्स की जगह अगर हम यहाँ पर रख दें एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स और उसका कंपोजिशन हम बनाएं गॉफ के साथ में, तो देखते हैं हमें आइडेंटिटी ऑफ एक्स निकल कर मिलता है या नहीं। एसोसिएटिव है तो हम ब्रैकेट्स तो कहीं भी लगा सकते हैं। तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जी हम पहले फाइंड कर लेते हैं, ऑफ एफ जी इनवर्स ऑफ जी ये किसके इक्वल होगा, किसी फंक्शन का अपने खुद के साथ में अगर आप खुद के इनवर्स के साथ में कंपोजिशन बना रहे हैं। तो आइडेंटिटी फंक्शन, पहले वैल्यू मिल रही है जी को, तो जी को वैल्यू कहाँ से मिल रही है, वाई से, वो उसको जेड बना रहा है, जेड की वैल्यू मिल रही है किसको, जी इनवर्स को, उसको वापस वाई बना रहा है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा फिर से आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई के। तो इसको हम लिख सकते हैं अब एफ इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई ऑफ एफ, किसी भी फंक्शन का आइडेंटिटी के साथ में कंपोजिशन, वो फंक्शन खुद ही निकल कर आएगा। क्योंकि वाई में आप वाई आइडेंटिटी ऑफ वाई का मतलब क्या है, वाई का एलिमेंट आपने इसमें डाला, वाई का ही एलिमेंट इसने निकाल कर दिया और वो मिला एफ इनवर्स को। तो एफ इनवर्स क्या कर रहा है, वाई को एक्स बना रहा है, तो पहले से ही ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आया, ये तो एफ इनवर्स खुद ही आ गया हमारे पास, आया एफ इनवर्स ऑफ एफ, एफ इनवर्स ऑफ एफ किसी फंक्शन का अपने इनवर्स के साथ में कंपोजिशन क्या निकाल कर देगा, आइडेंटिटी फंक्शन। एफ़ को वैल्यू हम कहाँ से दे रहे हैं, एफ़ को हम वैल्यू दे रहे हैं एक्स से, ये उसको वाई बना रहा है, ये वाई मिल रहा है एफ इनवर्स को और ये उसको वापस से एक्स बना रहा है। तो जो वैल्यू एक्स में से हमने डाली थी वही वैल्यू हमें वापस मिल रही है। तो ये क्या बन गया, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट एक्स, यही हमें चाहिए था। तो गॉफ का इनवर्स की आप कंपोजिशन जब गॉफ के साथ कर रहे हैं तो भी आपको यही आइडेंटिटी फंक्शंस निकल कर मिल रहे हैं, और एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स का कंपोजिशन आप गॉफ के साथ बना रहे हैं तो भी आपको सेम चीज़ें ही निकल कर मिल रही हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गॉफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। तो आप गॉफ का इनवर्स ले रहे हैं चाहे एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ले रहे हैं, वो आपको सेम ही रिजल्ट्स दे रहे हैं। और यहाँ हमने क्या देखा था कि गॉफ इनवर्स का डोमेन और कोडोमेन और एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स का डोमेन और कोडोमेन भी सेम ही है। तो सेम डोमेन और कोडोमेन है, सेम रिजल्ट्स ये हर बार दे रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों फंक्शन सेम है।
गॉफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। एक प्रॉपर्टी इन्वर्टिबल फंक्शंस की हम और देख लेते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी, ग्राफ्स ऑफ फंक्शन एफ एंड इट्स इनवर्स। आप एफ का ग्राफ बनाएंगे और एफ इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे सेम कार्टेशियन प्लेन में, तो वो क्या मिलेंगी आपको, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन द लाइन मिरर वाई इज इक्वल टू एक्स। लाइन मिरर वाई इज इक्वल टू एक्स में आपको वो एक दूसरे की मिरर इमेज मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप ग्राफ बनाते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये है हमारी वाई एक्सिस, तो हमें ये पता है कि एफ का आप ग्राफ बना रहे हैं, और अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी एफ को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बी कॉमा ए ज़रूर एफ इनवर्स को बिलोंग करेगा, क्योंकि एफ इनवर्स का काम ही है जो इसने किया है उसको उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना। अगर ये ए डालने पर बी दे रहा है तो एफ इनवर्स बी डालने पर ए देगा। तो हम इसका ग्राफ बनाने की अगर कोशिश करें, सपोज 0,0 एफ को बिलोंग कर रहा है, तो 0,0 को उल्टा करेंगे तो 0,0 ही आएगा, वो भी वो एफ इनवर्स को भी बिलोंग करेगा। सपोज़ कीजिए 2,1 बिलोंग कर रहा है एफ को, तो कहाँ आएगा इसका पॉइंट, हम लगा लेते हैं 2,1 यहाँ कहीं पर आएगा, ये पॉइंट बिलोंग कर रहा है हमारे फंक्शन एफ को, तो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें, यहाँ कर दो इसको पॉइंट को, कोई बात नहीं, तो ऐसी सी कोई लाइन हमारे पास बनकर आएगी। 2,1 बिलोंग कर रहा है किसको, एफ फंक्शन को। 2,1 एफ को बिलोंग कर रहा है तो 1,2 ज़रूर बिलोंग करेगा एफ इनवर्स को, तो 1,2 ये बिलोंग करेगा किसको, हमारे एफ के इनवर्स को। तो उसका आप ग्राफ बनाओगे तो आपके पास कुछ ऐसी सी लाइन निकल कर आएगी, ठीक है, ये बहुत अच्छे से नहीं बन रहा है पर आप इसको समझ तो जाओगे। तो ये किसका ग्राफ बन रहा है, एफ इनवर्स का ग्राफ ऐसा सा कुछ बनकर आ रहा है। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात क्या देखने को मिलती है कि अगर हम यहाँ एक ग्राफ बनाएं y इज इक्वल टू एक्स का, y इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू वन एक्स प्लस सी, इसे अगर हम कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ तो हमें 1x प्लस 0, इसे कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ तो हमें दिखाई देगा कि y इज इक्वल टू एक्स का आप ग्राफ बनाओगे तो उसका स्लोप 1 होना चाहिए और उसका y इंटरसेप्ट 0 होना चाहिए, तो x एक्सिस को वो 0 पे कट करेगा और उसका स्लोप 1 यानी पॉजिटिव x एक्सिस के साथ ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ऐसी कोई लाइन हमारे पास बनकर आएगी, लाइन बहुत अच्छी नहीं बन रही हैं, तो आप इसको, ये कितनी साफ बन रही है उस पर प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा। तो ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है हमारा। कमाल की बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि y इज इक्वल टू एक्स, अगर हम इसको माने कि ये एक मिरर की तरह काम कर रहा है, ये एक मिरर की तरह काम कर रहा है, तो ये f का जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है ये पार्ट, एफ इनवर्स का ग्राफ इसी की मिरर इमेज होगा अगर y इज इक्वल टू एक्स मिरर का काम कर रहा है। तो ये और ये क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस, ऐसे ही ये पार्ट और ये पार्ट, ये भी क्या है, एक दूसरे के हमेशा मिरर इमेजेस ही होंगे। यानी f का ग्राफ और f इनवर्स का ग्राफ ये हमेशा y इज इक्वल टू एक्स इस लाइन मिरर में एक दूसरे की मिरर इमेज होता है। y इज इक्वल टू एक्स लाइन मिरर में f का और f इनवर्स का ग्राफ एक दूसरे की मिरर इमेज होता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को अभी तो हम यूज़ कहीं नहीं करेंगे, लेकिन जब आप पढ़ेंगे चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तब हम इस प्रॉपर्टी को वहाँ पर यूज़ करेंगे, तो इसलिए आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है, ठीक है। f और f इनवर्स का ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स लाइन मिरर में एक दूसरे के मिरर इमेज होता है। तो जो कुछ भी अब तक हमने पढ़ा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में और इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में, उन्हें यूज करके अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3।
फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमें एक फंक्शन दिया है एफ, जो कि डिफाइंड है सेट ए से सेट बी पर. सेट ए है 1, 3, 4, ये तीन एलिमेंट्स हैं इसमें, और बी में है 1, 2, 5. और एक जी फंक्शन है जो डिफाइंड है 1, 2, 5, यानी सेट बी से एक और सेट है सेट सी, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 और 3 उस तक. और हमें गिवन है कि एफ फंक्शन में 1 डालते हैं तो आपको 2 देता है, 3 डालते हैं तो 5 देता है, 4 डालते हैं तो 1 देता है. जी में 1 डालते हैं तो 3 मिलता है, 2 डालते हैं तो 3 मिलता है, और 5 डालते हैं तो 1 मिलता है. हमें बताना है गॉफ फंक्शन, गॉफ लिखना है हमें, गॉफ में क्या क्या आएगा, गॉफ में क्या डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा. अब गॉफ का मतलब क्या है, गॉफ ऑफ एक्स, एक्स आप इसमें डाल रहे हैं तो वो इक्वल होता है जी ऑफ एफ एक्स में. जो भी एक्स आप डालते हैं वो पहले एफ को मिलता है, और फिर एफ फंक्शन उसकी जो भी इमेज निकाल कर देता है वो इमेज मिलती है जी फंक्शन को. तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं. अब एफ फंक्शन में क्या क्या वैल्यूज़ हमें चलेंगी, 1 चलेगा, 3 चलेगा और 4 चलेगा. एफ के डोमेन में जो वैल्यूज़ हैं सिर्फ वो वैल्यूज़ हम यहाँ पर डाल सकते हैं. तो ये हम क्या क्या डाल सकते हैं, एक तो हम 1 डाल सकते हैं, तो हमारे पास आएगा जी ऑफ एफ 1. अब जी ऑफ एफ 1 किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ 1, एफ में 1 डाला तो इसने उसको क्या बना दिया, 2, यानी एफ ऑफ 1 की जगह तो हम 2 लिख सकते हैं. तो हमारे पास आया जी ऑफ 2, यानी जी में 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा, जी में 2 डाल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, जी 2 को बना देता है 3, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 3. ऐसे ही हम दूसरा देखते हैं, जी में हम गॉफ में और क्या डाल सकते हैं, गॉफ में हम डाल सकते हैं 3. तो हमने गॉफ में 3 डाला, वो 3 मिला किसको, एफ को मिला. एफ को जब 3 मिला उसने इसका क्या बना दिया, 5 बना दिया. तो जी को अब क्या मिला, 5 मिला. और जी को अगर 5 मिलता है तो वो उसका क्या बना देता है, 1 बना देता है. गॉफ में और क्या डाल सकते हैं, गॉफ में डाल सकते हैं और 4. तो हमने क्या किया, गॉफ में 4 डाला, वो 4 किसको मिला, पहले मिला एफ फंक्शन को. एफ फंक्शन को जब 4 मिला उसने उसको बना दिया 1. तो जी को क्या मिला, जी को मिला 1. और जी को जब 1 मिलता है तो वो उसको बना देता है 3. तो गॉफ फंक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, गॉफ में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे. गॉफ में जब हम 1 डाल रहे हैं तो गॉफ हमें 3 निकाल कर दे रहा है, 1 डाला तो 3 निकाल के दिया, 1, 3 इसको बिलोंग करेगा. गॉफ में 3 डाला तो इसने उसको 1 बना दिया, गॉफ में 3 डाला तो उसको 1 बना दिया. और गॉफ में जब हमने 4 डाला तो उसने इसको 3 बना दिया, 4 डाला तो 3 बना दिया. तो ये आ गया हमारा आंसर, 1, 3, 3, 1, 4, 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एफ जी और एच फंक्शंस हैं फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर्स पर डिफाइंड है. शो दैट एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच. सही करते हैं पहले सॉल्व. RHS में हमें क्या दिया है, RHS में दिया है हमें F प्लस जी ऑफ H. ठीक है, इस फंक्शन में अगर हम कोई वैल्यू डाल रहे हैं X, तो वो वैल्यू पहले किसे मिल रही है, इसको मिल रही है. और H X जो भी निकल कर आ रहा है, H जो भी इसकी इमेज बना रहा है, वो किसको मिल रहा है, F प्लस जी को. तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, F प्लस जी ऑफ एच एक्स. ये जो एच एक्स वैल्यू है किसे मिल रही है, एफ प्लस जी फंक्शन को मिल रही है. दो फंक्शंस को ऐड करके हमने एक फंक्शन बना रखा है, एफ प्लस जी फंक्शन. अब ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स. अगर आपको याद होगा, आपने 11th क्लास में ये चीज़ पढ़ी थी कि कोई दो फंक्शंस को अगर हम ऐड कर रहे हैं, कोई भी दो फंक्शंस हमारे पास हैं एफ प्लस जी ऑफ एक्स, उसमें आप कुछ एक्स वैल्यू डाल रहे हैं, वो किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स. दोनों में हमने अलग अलग एक्स की वैल्यू डाली और उन्हें ऐड कर दिया, तो ये और ये सेम ही बात होती है, वही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. तो एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स का मतलब है एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स. एफ ऑफ एच एक्स को हम और क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एच लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब एफ ऑफ एच का मतलब यही है कि एफ को क्या मिल रही हैं, एच एक्स की वैल्यूज़ मिल रही हैं. और जी ऑफ एच एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एच लिख सकते हैं. तो ये हमारे पास क्या आ गया, एल एच एस निकल कर आ गया, यानी आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस. सेम ऐसे ही देखते हैं दूसरा पार्ट.
इसमें हमें आर एच एस क्या गिवन है, आर एच एस गिवन है दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एफ फंक्शंस और जी फंक्शन, और उसकी कंपोजिशन हमने बनाई है एच फंक्शन के साथ में। इसका मतलब क्या है, एफ इंटू जी ऑफ एच, यानी कुछ भी एक्स अगर आप इसमें डाल रहे हैं तो ये इक्वल हो जाएगा एफ इंटू जी ऑफ एच एक्स की। ये एच एक्स एच फंक्शन में एक्स डालोगे तो जो भी वो इमेज बनाएगा वो इमेज मिलेगी इन दोनों फंक्शंस के प्रोडक्ट को। इसका मतलब ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स। ये भी सेम वही प्रॉपर्टी है जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी कि कोई दो फंक्शंस हैं एफ और जी, उसमें अगर हम एक्स डाल रहे हैं तो वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के। वही सेम चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें क्या मिला, एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स, और एफ ऑफ एच एक्स इज सेम एज एफ ऑफ एच, जी ऑफ एच एक्स का मतलब जी ऑफ एच। तो हमारे पास क्या आ गया, एफ एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच, यानी कि आर एच एस, सॉरी ये हमने क्या लिया था यहाँ पर, यहाँ पर हमने ली थी लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस लिया था हमने, एल एच एस इक्वल आ गया था हमारे आर एच एस के। और यहाँ पर भी हमने क्या लिया है, एल एच एस लिया है, एल एच एस लिया है, और हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल है आर एच एस के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, फाइन गॉफ एंड फॉग। दो फंक्शंस हमें दे रखे हैं एफ एक्स और जी एक्स, हमें गॉफ निकाल के बताना है और फॉग निकाल के बताना है। तो गॉफ का मतलब क्या है, गॉफ का मतलब है जी ऑफ एफ एक्स, जी के अंदर आप डाल रहे हैं एफ एक्स, एफ एक्स हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ, मॉड ऑफ एक्स। तो जी के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, हम मॉड ऑफ एक्स डाल रहे हैं, जहाँ कहीं भी जी में एक्स है उसकी जगह हम मॉड ऑफ एक्स डालेंगे। तो जी के अंदर हम जो भी डालते हैं क्या बना देता है वो, उसका ये बना देता है। तो यहाँ पर x की जगह अगर हम मॉड ऑफ x डाल दें तो हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ 5 मॉड ऑफ x माइनस 2। ये तो आ गया हमारा गॉफ। ऐसे ही अब हमें निकालना है फॉग, तो फॉग कैसे निकलेगा, फॉग इज इक्वल टू f ऑफ जी एक्स, यानी इस बार हम पहले x g को दे रहे हैं, फिर जी एक्स जो भी इमेज बनकर आ रही है वो हम f को दे रहे हैं। तो f को क्या मिल रहा है, जी एक्स की वैल्यू, और जी एक्स क्या है, जी एक्स है मॉड ऑफ 5x माइनस 2। तो f फंक्शन में हम डाल रहे हैं मॉड ऑफ 5x माइनस 2। f में हम जो कुछ भी x डालते हैं वो उसका मॉड कर देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल कर देता है। तो x की जगह पूरे x की जगह ये पूरा हमें उसमें डालना है, तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। x की जगह हमने क्या डाल दिया, ये पूरा डाल दिया। अब ये 5x माइनस 2 का मॉड क्या निकाल कर दे रहा है हमें, 5x माइनस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल कर दे रहा है, और ये जो बाद में हमने फिर मॉड लगाया है ये भी हमें इसी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल कर दे रहा है। तो सेम ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है। तो इसको हम अगर सिर्फ ऐसे भी लिख दें तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दो बार मॉड लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ये ऑलरेडी निकाल कर दे चुका है, तो ये भी हमें सेम वही वैल्यू ही निकाल कर देने वाला है। तो ये हमारे पास आ गया फॉग का आंसर। सेकेंड पार्ट भी सेम ऐसे ही है, देखते हैं, हमें एफ एक्स दे रखा है 8x³ और जी एक्स दे रखा है एक्स टू द पावर 1/3। ठीक है, तो हमें निकालना है पहले गॉफ, गॉफ का मतलब जी ऑफ एफ एक्स, जी के अंदर क्या डालेंगे, एफ एक्स डालेंगे। तो जी के अंदर हमें क्या डालना है, 8x³ डालना है। तो जी में जहाँ कहीं भी एक्स था उसकी जगह हम लिखेंगे 8x³। तो 8x³ लिख दिया हमने x की जगह, और उसकी पावर क्या है, उसकी पावर है 1/3। इसका मतलब क्या है, 8 की पावर भी 1/3 और x³ की पावर भी 1/3। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2³ लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, तो 2³ की पावर 1/3 इंटू x³ की पावर 1/3। 3 से 3 हो गए कैंसिल, हमारे पास क्या निकल कर आया, यहाँ बचा सिर्फ 2 और यहाँ बचा सिर्फ x। तो वैल्यू आ गई हमारी, गॉफ आ गया, गॉफ इज इक्वल टू 2x। फॉग निकालते हैं, तो फॉग किसके इक्वल होगा, फॉग इक्वल होगा f ऑफ gx के,
एफ ऑफ जी एक्स, इस बार एफ के अंदर हम जी एक्स की वैल्यू डालेंगे, तो एक्स के अंदर हम डालेंगे, एफ के अंदर हम डालेंगे एक्स टू द पावर 1/3। एफ क्या करता है, एफ एक्स किसके इक्वल है, 8x³ के, तो यहाँ पर इसी में हमें x की जगह क्या डाल देना है, x टू द पावर 1/3, तो 8 तो रहेगा ही, x की जगह हम डालेंगे x टू द पावर 1/3, और उस पूरे का क्या होना है, क्यूब होना है, तो ये 3 से 3 तो यहाँ पर हो जाएगा कैंसल, और हमें क्या आंसर निकल कर आएगा, हमारा आंसर आएगा 8x। तो फॉग इक्वल है 8x के और गॉफ इक्वल है 2x के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि इक्वल है 4x+3 अपॉन 6x-4, जहाँ पर x इज़ नॉट इक्वल टू 2/3, x 2/3 वैल्यू x की नहीं हो सकती, वो इस फंक्शन को नहीं चलती है, शो दैट एफ ऑफ एफ एक्स इज़ इक्वल टू x फॉर ऑल x इज इक्वल टू टू x इज़ नॉट इक्वल टू 2/3 एंड वॉट इज़ द इनवर्स ऑफ f। ये कह रहे हैं f का खुद के साथ ही अगर आप कंपोजिशन बनाएंगे, अभी तक हम क्या बना रहे थे, f का g के साथ कंपोजिशन, g का f के साथ कंपोजिशन, दो अलग अलग फंक्शंस के कंपोजिशन बना रहे थे, ये कह रहे हैं f का खुद के साथ ही कंपोजिशन बनाएंगे तो आपको वो x वैल्यू ही निकाल कर देगा, यानी जो आपने इनपुट डाला है खुद के साथ उसकी कंपोजिशन आपने बनाई तो वो फंक्शन सेम वही आउटपुट आपको निकाल कर देगा। तो देखते हैं हमें क्या निकालना है, f ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब क्या है, f फंक्शन के अंदर आप डाल रहे हैं एफ एक्स की वैल्यूज, और एफ एक्स हमें कितना दिया हुआ है, एफ एक्स हमें दिया हुआ है ये 4x+3 अपॉन 6x-4, यानी f के अंदर आप क्या वैल्यू डाल रहे हैं, आप डाल रहे हैं 4x+3 अपॉन 6x-4। ठीक है, तो एफ एक्स तो ये फंक्शन है 4x+3 अपॉन 6x-4। एफ के एफ एक्स में ये वैल्यू डालने का मतलब ये है कि एक्स की जगह अब हमें क्या डालना है, ये पूरा डालना है जो हमने यहाँ पर लिखा है। अब एफ को ये वैल्यू मिल रही है जो पहले वाले एफ ने निकाल कर दी है, पहले वाले एफ फंक्शन में आपने एक्स डाला तो उसने एक्स को ये बना दिया, अब ये हम ये मिल रहा है हमारे एफ फंक्शन को दोबारा से, तो जहाँ जहाँ भी यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है उसकी जगह हमें क्या वैल्यू डालनी है, उसकी जगह हमें ये वैल्यू डालनी है, तो क्या बन जाएगा ये 4, x की जगह हम क्या डाल देंगे 4x+3 अपॉन 6x-4, ठीक है, प्लस 3 तो था ही यहाँ पर, अपॉन में क्या है 6, x की जगह क्या वैल्यू डालेंगे, ये पूरी जो ब्रैकेट में हमने लिखी है 4x+3 अपॉन 6x-4, और साथ में क्या है माइनस 4। सॉल्व करते हैं इसको, क्या आएगा, तो यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 की, तो ये हमारे पास आ गया 4 4 16x प्लस 4 3 12, और एलसीएम भी ले लेते हैं साथ ही साथ, तो 6x-4, और यहाँ क्या बन जाएगा प्लस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा 18x-12, ठीक है, और अपॉन में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इन्हें, 6 4 24x प्लस 18, और एलसीएम भी साथ ही साथ ले लेते हैं 6x-4, और यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 की 6x-4 से तो हमें मिलेगा -24x प्लस 16। अब ये दोनों वैल्यूज़ तो हो जाएंगी कैंसिल, और क्या क्या कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, प्लस 12 माइनस 12, यहाँ 24x और -24x, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 16x प्लस 18x, और अपॉन में बचा हमारे पास 18 प्लस 16, ऐड कर लेते हैं इन्हें, क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 34x अपॉन 34, 34 से 34 कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला, x ही मिला, तो वो प्रूव हो गया जो हम प्रूव करना चाह रहे थे, f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x। अब इन्होंने पूछा है इस f का इन्वर्स क्या है, अब f ऑफ एफ एक्स हमें x ही वैल्यू निकाल कर दे रहा है, इसको अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें ये कह क्या रहा है, f एक फंक्शन है सपोज जो डिफाइंड है, जिसका डोमेन है सेट x, और उसमें हम कुछ वैल्यूज़ डाल रहे हैं, कुछ वैल्यूज़ डाल रहे हैं x, y, z, तो हमें कुछ वैल्यूज़ वो हमें निकाल कर दे रहा है, ठीक है, तो सेट x से सेट y तक सपोज वो डिफाइंड है,
उसमें अगर हम डाल रहे हैं कोई वैल्यू तो वो हमें कुछ और वैल्यू यहाँ पर निकाल कर दे रहा है। तो हमने इसमें कोई एक्स वैल्यू डाली है, इसके डोमेन में कोई एक्स है, एफ फंक्शन हमने उस पर अप्लाई किया, उसने इसको कुछ वाई बना दिया, ठीक है, हम ये मानकर चल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, एफ का खुद के साथ ही कंपोजिशन, इसका मतलब क्या है, हमने एक्स पहले दिया एफ को, तो हमें क्या मिला, एफ एक्स यानी ये वाई मिला, ये वाई हमने वापस से एफ फंक्शन को दे दिया, तो अब हम वापस से इस पर क्या लगा रहे हैं, एफ फंक्शन ही अप्लाई कर रहे हैं वापस से। ये वैल्यू फिर से किसे दे रहे हैं, एफ फंक्शन को ही दे रहे हैं। अब ये वैल्यू तो एफ फंक्शन सिर्फ तब लेगा जब ये वैल्यूज़ उसके डोमेन में प्रेजेंट होंगी, यानी जो भी वैल्यूज़ यहाँ हैं वही सारी वैल्यूज़ यहाँ होनी चाहिए, तभी एफ फंक्शन इस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। यानी एफ का डोमेन क्या था, सेट एक्स, तो ये जो सेट वाई है ये भी क्या है, एफ का डोमेन ही है, तो ये भी सेट एक्स ही है। तो एफ फंक्शन हमारा किधर से किधर डिफाइंड है, ये है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट एक्स, तभी हम इसमें वापस से एफ फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फिर से आपने एफ फंक्शन अप्लाई किया तो इसने क्या किया, फिर से आपको ये एक्स निकाल कर दे दिया। तो यहाँ हो क्या रहा है, पहले एफ फंक्शन लगाया उसने एक्स को बना दिया वाई, फिर एफ फंक्शन लगाया उसने वाई को बना दिया वापस से एक्स, तो ये एफ फंक्शन किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है एफ इन्वर्स का, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन का ही तो ये काम है कि जो एफ फंक्शन ने किया था उसी प्रोसेस को उसने रिवर्स कर दिया। इसका मतलब क्या है, अगर एफ ऑफ एफ एक्स हमें एक्स मिलता है, इसका मतलब ये जो एफ फंक्शन है ये खुद का ही इन्वर्स है, एफ इज इन्वर्स ऑफ इट्सेल्फ, ये खुद का ही इन्वर्स है, तभी हमें एफ ऑफ एफ एक्स एक्स के इक्वल मिल रहा है। तभी हमने f में कुछ डाला था तो हमें जो भी मिला था, f ही उस पर दोबारा लगाया तो उसने हमें ओरिजिनल वैल्यू वापस कर दी, यानी f इनवर्स और f सेम ही बात है। तो f इनवर्स किसके इक्वल है, f के ही इक्वल है, f इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल है, fx के ही इक्वल है, और fx हमें ऑलरेडी गिवन है वो किसके इक्वल है, 4x plus 3 upon 6x minus 4 के ही इक्वल है। तो किसी फंक्शन की खुद के साथ में कंपोजिशन अगर आइडेंटिटी फंक्शन है तो इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन अपना खुद का इन्वर्स है, वो खुद सेल्फ का ही इन्वर्स होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इन्वर्स। कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, ये कह रहे हैं रीजन देकर बताइए कि इनका इन्वर्स होगा या नहीं होगा। तो पहला फंक्शन है जो डिफाइंड है सेट 1, 2, 3, 4 से, दूसरा सेट है जिसमें वैल्यू है 10, बना लेते हैं इसको। ये सेट ए है हमारा जो कि एफ का डोमेन है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, और ये सेट बी है हमारा जो कि एफ का को डोमेन है, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है 10। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, इसमें 1 डालते हैं तो 10 देता है, 2 डालते हैं तो भी 10 देता है, 3 डालते हैं तो भी 10 देता है, 4 डालते हैं तो भी 10 देता है, क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ये फंक्शन हमें कैसे दिखाई दे रहा है, एफ इज़ अ मैनी वन फंक्शन, ये एक मैनी वन फंक्शन हमें दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे एक्स की यहाँ पर हमें सेम इमेज दिखाई दे रही है, बहुत सारे एरो एक ही जगह पर जाकर कन्वर्ज हो रहे हैं, और मैनी वन फंक्शन का कोई इन्वर्स नहीं होता। इन्वर्स किसका होता है, सिर्फ बाइजेक्शंस का होता है, यानी फंक्शन को कैसा होना चाहिए, 1-1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि एफ मैनी वन फंक्शन है तो एफ इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए एफ इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा देखते हैं इसी तरह से, जी एक फंक्शन है जिसका डोमेन हमें दे रखा है 5, 6, 7, 8, ये चार एलिमेंट्स हैं इसके डोमेन में, इसे सेट ए बोल देते हैं, और इसके को डोमेन में भी चार एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, इसको हम बोल देते हैं सेट बी। जी फंक्शन क्या कर रहा है, इसमें 5 डालते हैं तो ये देता है 4, 6 डालते हैं तो ये देता है 3, 7 डालते हैं तो भी ये 4 ही देता है, और 8 डालते हैं तो ये देता है 2। अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, 5 की इमेज भी 4 है और 7 की इमेज भी 4 है, तो f कैसा फंक्शन है, f
मेनी वन फंक्शन है, यहाँ पर भी दो डिस्टिंक्ट एक्स की हमें सेम इमेज यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो एक तो एफ हो गया मेनी वन फंक्शन, दूसरा हमें क्या दिखाई दे रहा है, वन की, इस वन की कोई प्री इमेज हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ कोडोमेन तो हमें दिख रहा है पूरा सेट बी, और रेंज में क्या आ रहे हैं इसके, सिर्फ टू, थ्री और फोर। तो एफ और कैसा फंक्शन है, एफ इंटू फंक्शन भी है, एफ इज इंटू फंक्शन, यहाँ पर रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इनवर्स सिर्फ बाइजेक्शंस का ही होता है। तो इनवर्स कब एग्जिस्ट करता, अगर हमारा एफ वन वन होता और ऑन टू फंक्शन होता तभी एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता, क्योंकि अगर हम इसका इनवर्स बनाएंगे तो उसमें वन किसी के साथ भी एसोसिएट नहीं होगा और फोर की दो दो इमेजेस बन जाएंगी, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन के खिलाफ है। एच फंक्शन है एक, इसका हमें डोमेन दे रखा है, इसको हम सेट ए कह देते हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं टू, थ्री, फोर, फाइव, और इसका कोडोमेन है जिसको हम सेट बी कह देते हैं, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं सेवन, नाइन, इलेवन, थर्टीन। एच फंक्शन क्या कह रहा है, आप टू डालोगे इसमें तो वो उसको सेवन बना देगा, थ्री डालोगे तो नाइन बना देगा, फोर डालोगे तो इलेवन बना देगा, फाइव डालोगे तो फिफ्टीन बना देगा। ये तो बहुत अच्छा सा फंक्शन हमें दिखाई दे रहा है। यह हमें क्या दिखाई दे रहा है, डिस्टिंक्ट एक्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं। तो एफ कैसा फंक्शन है, एफ एक वन वन फंक्शन है, एफ इज वन वन फंक्शन। और क्या ये हमें इसकी रेंज अगर हम देखें, रेंज क्या है पूरा सेवन, नाइन, इलेवन, थर्टीन, सबकी कोई ना कोई प्री इमेज है, तो रेंज में चारों आ रहे हैं, यानी सेट बी इसकी रेंज है और कोडोमेन भी इसका सेट बी ही है। तो यानी ये वन वन भी है और ये ऑन टू भी है, रेंज और कोडोमेन भी इसकी हमें इक्वल दिखाई दे रही है। तो एफ वन वन भी है और ऑन टू भी है, यानी एफ क्या है, एफ एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, एफ इज़ अ बाइजेक्शन, एफ एक बाइजेक्शन है। तो इसका मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो पहले वाले दोनों क्योंकि बाइजेक्शंस नहीं थे इसलिए उनका इनवर्स नहीं था, थर्ड वाले पार्ट में हमने देखा है जो एच फंक्शन है ये एक बाइजेक्शन है इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सिक्स क्वेश्चन पर आते हैं, सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फंक्शन है जिसका डोमेन हमें दे रखा है एक इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल माइनस वन से वन, ठीक है, और को डोमेन दे रखा है ऑल रियल नंबर्स, और फंक्शन कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, हमें शो करना है ये फंक्शन वन वन है। उसके बाद हमें इस फंक्शन का इनवर्स भी फाइंड करना है, एग्जैक्टली इस फंक्शन का नहीं, इनवर्स किसका फाइंड करना है, एक फंक्शन एफ है जिसका डोमेन तो है माइनस वन से वन का क्लोज्ड इंटरवल और उसका कोडोमेन है रेंज ऑफ दिस फंक्शन एफ, तो कोडोमेन रेंज ऑफ दिस फंक्शन एफ है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, पहले तो हम इसको देखते हैं कि वन वन ये है या नहीं है, हमें प्रूव करना है वन वन है तो वन वन तो ये होना चाहिए, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। तो वन वन प्रूव हम कैसे करते हैं, हम ये सपोज कर लेते हैं कि कोई एक्स वन और एक्स टू ऐसे हैं जो इस फंक्शन में हमें सेम इमेज निकाल कर दे रहे हैं। तो लेट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, दो डिस्टिंक्ट एक्स वन एक्स टू ऐसे हैं जिनकी इमेजेस सेम हैं। अगर ये एज्यूम करके हम चल रहे हैं और इसे सॉल्व करते करते हमें ये पता चले कि ऐसे दो अलग एक्स वन एक्स टू हैं ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा है, अगर इमेज सेम है तो इसका मतलब एक्स वन और एक्स टू भी सेम ही एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन वन वन होगा। तो एफ ऑफ एक्स वन यानी इस फंक्शन में आप एक्स की जगह एक्स वन डाल रहे हैं तो क्या बनेगा, एक्स वन अपॉन एक्स वन प्लस टू, ये इक्वल है किसके, एफ ऑफ एक्स टू, यानी इस फंक्शन में आपने एक्स टू इनपुट दिया तो क्या बनेगा, एक्स टू अपॉन एक्स टू प्लस टू। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, एक्स वन एक्स टू, एक्स वन की एक्स टू से मल्टीप्लाई की प्लस एक्स वन की मल्टीप्लाई की टू से, टू एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन की मल्टीप्लाई की एक्स टू के साथ प्लस टू एक्स टू, ये तो कैंसिल हो गए, क्या बचा, टू एक्स वन इज इक्वल टू टू एक्स टू, टू से टू भी कैंसिल हो गए तो हमें मिला एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। यानी अगर इमेजेस इक्वल हैं तो इसका मतलब वो जो एलिमेंट जो इनपुट हमने डाला था वो भी सेम ही था, कोई ऐसे दो अलग इनपुट नहीं है जिनकी इमेजेस सेम है।
इसका मतलब f इज अ वन वन फंक्शन, f एक वन वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन है, ठीक है। इसका अब हमें इन्वर्स फाइंड करना है, तो पहले हम ये देख लें कि ये ऑन टू है या नहीं है। अब ये ऑन टू तो है, क्यों? क्योंकि हमें पहले ही दिया है कि इन्वर्स हमें जिस फंक्शन का निकालना है उसका जो कोडोमेन है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है रेंज ऑफ एफ के। कोडोमेन पहले ही हमें एफ की रेंज के इक्वल यहाँ पर गिवन है, तो ये ऑन टू फंक्शन तो है। तो दिस फंक्शन इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू, तो इन्वर्स निकाल सकते हैं इसका। निकालते हैं इसका इन्वर्स क्या आएगा। इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक्स को वाई की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो हमें पता है वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, ये हमें गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा, एक्स वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स। एक्स की टर्म्स को एक साथ करते हैं और वाई की टर्म्स को अलग रखते हैं। हमें क्या करना है, हमें निकालना है एक्स इज इक्वल टू कितना वाई। तो हम क्या करते हैं, इस टू वाई को यहीं रहने देते हैं, एक तरफ रहने देते हैं, और एक्स की टर्म को ले आते हैं, इस टर्म को ले जाते हैं उधर। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस एक्स वाई। एक्स वाई को हम उधर ले गए, टू वाई को हमने वहीं रहने दिया है। एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू टू वाई, ठीक है। एक्स ले लेते हैं इसमें से कॉमन, क्या आएगा, वन माइनस वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू टू वाई, यानी एक्स इज इक्वल टू टू वाई अपॉन वन माइनस वाई। एफ आ गया टू वाई अपॉन वन माइनस वाई, ठीक है। और एफ किसके इक्वल है, एफ ही इक्वल है एफ इनवर्स ऑफ वाई के। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई है तो इसका मतलब एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ये तो हमने पहले ही इन्वर्स फंक्शंस की डेफिनेशन में ही हमने ये बात पढ़ी थी। तो एफ इन्वर्स वाई, इस फंक्शन का इन्वर्स हमारे पास क्या आ गया, टू वाई अपॉन वन माइनस वाई, ये फंक्शन निकल कर आ गया। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर एक फंक्शन ऑन रियल नंबर्स आर टू आर, रेंज भी सॉरी डोमेन भी रियल नंबर्स हैं और कोडोमेन भी रियल नंबर्स हैं। और फंक्शन क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री, इसमें आप जो भी इनपुट डालोगे उसका फोर टाइम्स करके उसमें थ्री ऐड कर देगा। शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ। एफ को इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो हमें क्या करना होगा, इसको एक बाइजेक्शन प्रूव करना होगा। तो पहले हम इसको प्रूव करते हैं कि ये वन वन है। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया, लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। एक्स वन डाला इसमें तो क्या आया, फोर एक्स वन प्लस थ्री, और एक्स टू डाला इसी फंक्शन में तो आया फोर एक्स टू प्लस थ्री। थ्री से थ्री हो गए कैंसिल, फोर एक्स वन इज इक्वल टू फोर एक्स टू, फोर फोर भी कैंसिल हो गए, तो हमें क्या मिला, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। इसका मतलब एफ इज़ अ वन वन फंक्शन, एफ एक वन वन फंक्शन है, ये तो प्रूव हो गया। अब देखते हैं कि क्या एफ एक ऑन टू फंक्शन भी है, तो ऑन टू के लिए टेस्ट करते हैं। ऑन टू के लिए हमें क्या करना होता है, हमें गिवन क्या है फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री, यानी वाई इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री। एक्स को एक्सप्रेस करते हैं वाई की टर्म्स में तो हमारे पास क्या आएगा, फोर एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपॉन फोर। अब एक्स हमें कैसा चाहिए, एक्स हमें चाहिए कोई रियल नंबर। तो y की हम यहाँ क्या क्या वैल्यूज़ यहाँ पर चलेंगी कि हमें x रियल नंबर मिले। आप देखोगे यहाँ पर आप कोई भी रियल नंबर डालोगे सॉल्व करके आपको रियल नंबर ही मिलेगा। तो y क्या चलेगा, कोई भी रियल नंबर हमें चलेगा, y हो गया कोई भी रियल नंबर। तो इस मतलब क्या है कि यहाँ पर, और कोडोमेन भी क्या था, कोडोमेन भी यहाँ पर रियल नंबर ही था, यानी रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन इक्वल है, यानी एफ इज एन ऑन टू फंक्शन, एफ एक ऑन टू फंक्शन भी है। तो एफ वन वन भी है और एफ ऑन टू भी है, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। एफ क्या है, एक बाइजेक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो एफ इज इन्वर्टिबल, तो f एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। f का इन्वर्स निकालने के लिए हम सेम यही चीज़ करते हैं जो हमने अभी ऊपर की है, हम x को निकाल लेते हैं y की टर्म्स में, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमें पता है x इज इक्वल टू
y माइनस 3 अपॉन 4, इसका मतलब f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। तो ये हो गया इस फंक्शन का इनवर्स। एक ऐसा फंक्शन जिसमें आप कोई भी इनपुट डालोगे तो उसमें से पहले 3 माइनस सब्ट्रैक्ट करेगा और फिर उसको 4 से डिवाइड करके आपको देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंसिडर f अ फंक्शन है फ्रॉम r प्लस टू इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी। तो ये r प्लस, सपोज इसे हम कह देते हैं सेट a है और ये इंटरवल क्या है हमारा, सेट b है। तो f एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b और एफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 4 के। शो दैट f इज इन्वर्टिबल विद द इनवर्स f इनवर्स ऑफ f गिवन बाई f इनवर्स y इज इक्वल टू रूट वाई माइनस 4। यह हमें ऑलरेडी एक फंक्शन दिया हुआ है, ये कह रहे हैं प्रूव करो कि f इन्वर्टिबल है और उसका इनवर्स ये फंक्शन है, ठीक है। और जहाँ पर r प्लस से इनका मतलब है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, सारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का सेट। तो ये r प्लस क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का इंटरवल, नॉन नेगेटिव नंबर्स सारे के सारे। तो सारे नेगेटिव नंबर्स हमने इनमें से हटा दिए। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए ये जो फंक्शन गिवन है इसको हम मान लेते हैं, ये फंक्शन है g। तो ये फंक्शन जी वाई हमें गिवन है एक फंक्शन जो कि इक्वल है रूट वाई माइनस 4 के, ठीक है। अगर हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन हमारे एफ एक्स का इनवर्स है तो हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड करें फॉग और फाइंड करें गॉफ, और ये दोनों अगर आइडेंटिटी फंक्शंस आ जाएं, गॉफ फॉग क्या आ जाए, फॉग इक्वल आ जाए आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट बी के, और गॉफ हमारे पास आ जाए आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट ए के, तो हम ये श्योरली कह सकते हैं कि ये जो जी फंक्शन है ये एफ का इन्वर्स है, क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, हमें दिख ही रहा है, इसका मतलब ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। हमें पता है जी वाई एक फंक्शन है वो इक्वल है रूट वाई माइनस 4 के, और एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 4 के। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं फॉग। अब फॉग में क्योंकि पहले जी फंक्शन ऑपरेट होगा तो इसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, वो वैल्यू मिलेगी जो जी को चलती होंगी, जो डी जी के डोमेन में होंगी। तो हम निकाल रहे हैं फॉग ऑफ वाई, यानी एफ ऑफ जी वाई। एफ ऑफ जी वाई यानी एफ को क्या दे रहे हैं हम, जी वाई इक्वल है रूट वाई माइनस 4 के, एफ को दे देते हैं रूट वाई माइनस 4। एफ को रूट वाई माइनस 4 यानी जहाँ कहीं भी एक्स लिखा है उसकी जगह हमें अब क्या डालना है, रूट वाई माइनस 4। तो ये बन जाएगा रूट वाई माइनस 4 का स्क्वायर, एक्स की जगह हमने डाल दिया रूट वाई माइनस 4 प्लस 4, रूट वाई माइनस 4 का स्क्वायर यानी वाई माइनस 4, और साथ में था प्लस 4, कैंसिल हो गए, हमारे पास आया वाई। यानी फॉग में हमने जो इनपुट डाला वही इनपुट इसने हमें निकाल कर दिया, और इनपुट कहाँ से डाला था हमने, ये सेट बी में से, तभी हम इसको वाई कह रहे थे। क्योंकि अगर f फंक्शन a टू b डिफाइंड है तो f इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, f इनवर्स डिफाइंड होगा फ्रॉम f इनवर्स यानी ये g फंक्शन डिफाइंड होगा फ्रॉम b टू a। अगर ये f का इनवर्स है तो ये b टू a ही डिफाइंड होगा। तो हमने वैल्यू डाली इसमें कहाँ से, b से वैल्यू डाली थी और वही सेम वैल्यू हमें निकल कर आ गई हमारे पास, तो ये इक्वल हो गया आइडेंटिटी ऑफ सेट b के। ऐसे ही गॉफ निकालते हैं। अब गॉफ को चलेंगे कौन सी वैल्यूज, जो एफ को चलेंगे। तो यहाँ पर हम सेट ए में से वैल्यू डाल रहे हैं, एक्स डाल रहे हैं, ये किसके इक्वल हो गया, जी ऑफ एफ एक्स के। एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी जी फंक्शन को हम क्या इनपुट दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इनपुट दे रहे हैं। और जी फंक्शन क्या करता है, जो इनपुट देते हैं उसमें से 4 माइनस करके उसका कर देता है स्क्वायर रूट। तो जो इनपुट हमने इसको दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4, उसमें से 4 इसने माइनस किया और उसका कर दिया स्क्वायर रूट, प्लस 4 माइनस 4 हो गए कैंसिल, आ गया एक्स स्क्वायर। एक्स कैसा है, एक्स तो पॉजिटिव, एक नॉन नेगेटिव नंबर है तो 0 है या फिर कोई पॉजिटिव नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे हमें क्या मिलेगा, एक्स ही मिलेगा, सेम वही एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, जो पॉजिटिव नंबर नॉन नेगेटिव नंबर वो जो हमने यहाँ डाला था वही नॉन नेगेटिव नंबर हमारे पास यहाँ निकल कर आएगा। यानी ये किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए। सेट ए का कोई एलिमेंट आपने इसमें डाला और गॉफ ने सेट ए का वही एलिमेंट हमें निकाल कर वापस दिया, तो ये इक्वल हो गया आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए।
तो फॉग है आई बी के इक्वल और गॉफ है आई ए के इक्वल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एफ इज इन्वर्टिबल, एफ इन्वर्टिबल है एंड जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स। एफ का इनवर्स कौन है? जी फंक्शन ही एफ इनवर्स है। तो हमें क्या मिल गया? एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू रूट वाई माइनस 4। जो फंक्शन इन्होंने ये दिया हुआ था यही फंक्शन एफ का इनवर्स है, क्योंकि इसके साथ जब हम अपने फंक्शन की कंपोजिशंस बना रहे हैं तो हमें आइडेंटिटी फंक्शन ही मिल रहे हैं। तो ये फंक्शन, ये गिवन फंक्शन पक्के से हमारे एफ फंक्शन का इनवर्स होगा, और इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसका मतलब हमारा एफ फंक्शन इन्वर्टिबल है। नाइन्थ क्वेश्चन भी कुछ कुछ इसी तरह का है। एक फंक्शन है एफ फ्रॉम आर प्लस टू इंटरवल -5 टू इन्फिनिटी। तो ये अगर हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है, और एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x-5। शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विद एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू रूट वाई प्लस 6-1 अपॉन 3। रूट वाई प्लस 6-1 अपॉन 3, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह का ही क्वेश्चन है। तो थोड़ी देर के लिए हम इस फंक्शन को कह देते हैं, ये है फंक्शन जी वाई। जी फंक्शन है, जी वाई इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है रूट वाई प्लस 6-1 अपॉन 3। हमें ये प्रूव करना है ये हमारे एफ फंक्शन का इनवर्स है। तो एफ फंक्शन अगर हमारा डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो ये जी फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। तो हम क्या करेंगे? एक बार गॉफ फाइंड करेंगे, एक बार फॉग फाइंड करेंगे। अगर दोनों ही हमें आइडेंटिटी फंक्शंस मिलते हैं तो इसका मतलब हमारा एफ इन्वर्टिबल है, और जो जी फंक्शन है जिसके साथ हम उसकी कंपोजिशन बना रहे हैं वही जी फंक्शन हमारे एफ का इनवर्स है। फॉग फाइंड करते हैं पहले। फॉग को क्योंकि वैल्यूज़ कहाँ से मिल, कौन सी वैल्यूज़ चलेंगी? जो जी को चलेंगी। तो फॉग में हमने क्या डाला है? हमने डाला है वाई। वाई कहाँ से हमें मिल रहा है? वाई हमें मिल रहा है सेट बी से। तो ये हो गया एफ ऑफ जी वाई। एफ ऑफ जी वाई यानी एफ के अंदर हम क्या डाल रहे हैं? ये जी वाई वाली वैल्यूज एफ के अंदर हम डाल रहे हैं, रूट वाई प्लस 6-1 अपॉन 3 ये वैल्यू डाल रहे हैं। एफ फंक्शन क्या है? 9x² प्लस 6x-5। तो यहाँ पर जहाँ कहीं भी x हमने लिखा है उसकी जगह हम क्या डाल देंगे? ये पूरी वैल्यू हम डाल देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 9, x की जगह हमने डाल दिया रूट वाई प्लस 6-1 अपॉन 3, और इसका करना है स्क्वायर, प्लस 6 एक्स की जगह हमने क्या डाल दिया? फिर से यही पूरा डाल दिया, रूट वाई प्लस 6-1 अपॉन 3, और साथ में है माइनस का 5। सॉल्व करते हैं आगे। 9 रूट वाई प्लस 6-1 का स्क्वायर और नीचे 3 का स्क्वायर किया तो 9 ही आ गया, ठीक है। प्लस 6 रूट वाई प्लस 6-1 और अपॉन में क्या है? 3-5। ऐसा कुछ हमारे पास है, ये 9 से 9 हो गया कैंसिल, और यहाँ पर अगर हमने 6 को 3 से कैंसिल कर दिया तो आ गया 2। अब यहाँ बचा रूट वाई प्लस 6-1 का होल का स्क्वायर, तो यह हम लगा देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा? ए स्क्वायर यानी रूट वाई प्लस 6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसा कुछ हमारे पास आएगा। प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में दोनों चीज़ों से, तो हमारे पास क्या आएगा? 2 रूट वाई प्लस 6 और 2 की मल्टीप्लाई की -1 से -2 और साथ में एक -5। ये दोनों टर्म्स तो यहीं पर हमें कैंसिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रूट वाई प्लस 6 का स्क्वायर यानी वाई प्लस 6 प्लस 1, और बचा क्या है यहाँ पर? -2 -5 यानी वाई प्लस 7-7 ये कैंसिल हो गए, तो हमें क्या मिल गया? वाई। सेट बी का एलिमेंट हमने इसमें डाला था और वही एलिमेंट हमें वापस मिल गया, तो हमें मिल गया आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट बी। ऐसे ही अब हम निकालते हैं गॉफ। गॉफ अगर हमें मिल गया आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए, तो हम श्योरली कह सकते हैं कि ये जो जी है यही हमारे एफ का इन्वर्स है, और क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है इसका मतलब हमारा एफ इन्वर्टिबल है, ठीक है। तो गॉफ में हमने क्या डाला? हमने एक्स एक्स डाला, तो जी को क्या मिला? जी को मिला एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स इक्वल है ये जो हमें यहाँ पर लिख कर दिया है उसके,
9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 के इक्वल है। तो g फंक्शन में हमने जहाँ कहीं भी y लिखा हुआ हमें दिखाई दे रहा है वहाँ पर हमें क्या डालना है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो ये क्या बना देगा जी फंक्शन, इसको रूट के अंदर हमारे पास आएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस 6, प्लस 6 यहाँ पर है ही साथ में, माइनस 1 अपॉन 3, ऐसा कुछ आ जाएगा। सॉल्व करते हैं फर्दर इसे, तो क्या आएगा रूट के अंदर, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3। अब आप ये देखोगे कि ये जो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 है इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू 1 और प्लस क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर, सेम ही बात है 9x स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 3x इंटू 1 यानी 6x प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 1 अपॉन 3। तो ये क्या बन गया, ये बन गई हमारी आइडेंटिटी 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस 1 अपॉन 3। तो 3x प्लस 1 के स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें मिलेगा 3x प्लस 1, साथ में था एक माइनस 1 अपॉन में था 3, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 3x अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला x, यानी सेट ए का हमने एलिमेंट डाला और सेट ए का वही एलिमेंट हमें वापस मिल गया। तो ये क्या बन गया, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए। तो फॉग भी हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिल रहा है, गॉफ भी हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, f इज इन्वर्टिबल, f एक इन्वर्टिबल फंक्शन है एंड g इज f इनवर्स, ये जो g है वही f इनवर्स है, तो यानी f इनवर्स y इज इक्वल टू रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। ये जो गिवन फंक्शन था जो क्वेश्चन में हमें दे रखा था वही हमारे f फंक्शन का इनवर्स है, क्योंकि उसके साथ जब हम f फंक्शन की कंपोजिशन बना रहे हैं तो हमें आइडेंटिटी फंक्शन ही मिल रहा है। लेट f विच इज डिफाइंड, f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, डोमेन है x, कोडोमेन है y, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है यानी ये एक बाइजेक्शन है। शो दैट f हैज़ यूनिक इन्वर्स, आपको ये शो करना है कि ये जो f है इसका एक यूनिक इन्वर्स होगा, एक अकेला कोई ऐसा फंक्शन होगा जो इसका इन्वर्स होगा, एक से ज़्यादा इन्वर्स इसके एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे f फंक्शन के कोई दो इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेट g1 एंड g2 आर इन्वर्सेज ऑफ f, f के दो इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, जो इन्होंने बोला है उसको हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है ये गलत है। तो दो इन्वर्स हैं इस f के, तो एक है g1 और एक है g2, ये दोनों f के इन्वर्स हैं। अब g1 क्योंकि f का इन्वर्स है तो अगर आप कंपोजिशन बनाएंगे फॉग की g1 के साथ, ठीक है, अब g1 g2 f के इन्वर्स हैं, तो एक बात तो हमें ये पता चलेगी कि g1 कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, g1 डिफाइंड होगा फ्रॉम y टू x, और g2 भी क्योंकि f फंक्शन का ही इन्वर्स है तो g2 भी डिफाइंड होगा फ्रॉम y टू x, यानी ये जो g1 और g2 हैं इनके, g1 और g2 के डोमेन और कोडोमेन सेम है, सेम डोमेन एंड कोडोमेन, इनके डोमेन और कोडोमेन सेम है, दोनों ही y टू x डिफाइंड है। कोई भी दो फंक्शंस को कभी हमें इक्वल प्रूव करना है तो हमें सबसे पहले उनके डोमेन और कोडोमेन को तो सेम प्रूव करना ही होता है, उसके बाद हमें ये प्रूव करना होता है कि इसमें हम कुछ वैल्यू डाल रहे हैं तो ये कुछ इमेज बनाएगा और इसमें वही वैल्यू डालेंगे जो इसमें डाली थी तो ये भी सेम ही इमेज हमें बनाकर देगा। इसमें x डाल रहे हैं और इसमें x डाल रहे हैं तो दोनों में इमेजेस सेम ही निकल कर आ रही हैं, तभी ये दोनों फंक्शन सेम होंगे। तो हमें क्या पता चला कि g1 y टू x डिफाइंड है और g2 भी y टू x ही डिफाइंड है, तो इसका मतलब दोनों के डोमेन और कोडोमेन सेम है। तो g1 क्योंकि f का इन्वर्स है तो अगर हम f की g1 के साथ में कंपोजिशन बनाएं तो हम बना रहे हैं फॉग और उसमें डाल रहे हैं एलिमेंट y, क्योंकि एलिमेंट पहले मिलना है g1 को तो वो कहाँ से लेगा, y से। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट y। अगर
जी वन एफ का इन्वर्स है, तो इन दोनों की कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन ही मिलेगा। वाई का एलिमेंट इसमें डाल रहे हैं तो वाई का ही एलिमेंट ये हमें वापस, सेम एलिमेंट हमें वापस देगा, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई के इक्वल होगा। ऐसे जी टू भी हम कह रहे हैं कि एफ का इन्वर्स है, तो अगर हम एफ की जी टू के साथ में कंपोजिशन बनाएंगे, जी टू भी वाई टू एक्स से डिफाइंड है, तो इसमें अगर हम वाई डालेंगे ये भी हमें सेम एलिमेंट ही वापस देगा, तो ये भी इक्वल होगा आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई के। ये भी आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई के इक्वल है और ये भी आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई के इक्वल है। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला एफ ऑफ जी वन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी टू वाई, ये दोनों इक्वल है। एफ ऑफ जी वन वाई का मतलब क्या है? एफ में हम क्या इनपुट डाल रहे हैं? जी वन वाई इनपुट डाल रहे हैं, और यहाँ पर एफ में हम क्या इनपुट डाल रहे हैं? जी टू वाई इनपुट डाल रहे हैं, तो हमें सेम इमेजेस निकल कर आ रही हैं। साथ ही साथ हमें एक चीज़ और गिवन है कि एफ एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। एफ इज इन्वर्टिबल, इसका मतलब क्या है कि एफ एक बाइजेक्शन है। एफ इज़ अ बाइजेक्शन। अगर एफ बाइजेक्शन है, इसका मतलब क्या है कि एफ इज़ अ वन वन फंक्शन। एफ एक वन वन फंक्शन पक्के से होगा। अगर एफ वन वन फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या है? एफ के अंदर अगर एफ एक्स वन इक्वल है एफ एक्स टू के, तो उसका मतलब एक्स वन और एक्स टू भी इक्वल होगा। तो अगर कुछ दो एलिमेंट्स हम एफ के अंदर डाल रहे हैं और उनकी इमेजेस सेम है, इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट अलग अलग नहीं है, ये सेम ही एलिमेंट है। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है? एफ के अंदर हम क्या डाल रहे हैं? एफ के अंदर हम डाल रहे हैं जी वन वाई, और एफ के अंदर जब हम डाल रहे हैं जी टू वाई, दोनों ही केसेस में इमेज सेम बनकर आ रही है। एफ ऑफ जी वन वाई इक्वल है एफ ऑफ जी टू वाई। इसका मतलब जो भी यहाँ पर हम ये एलिमेंट डाल रहे हैं एफ फंक्शन के अंदर, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एफ वन वन फंक्शन है, कोई दो डिस्टिंक्ट एक्स ऐसे प्रेजेंट नहीं है जिनकी इमेज सेम होगी। तो एफ वन वन है, इसका मतलब जी वन वाई इक्वल होगा जी टू वाई के। यानी अगर आप जी वन में और जी टू में सेम वैल्यू, कोई सेम इनपुट डालेंगे, तो ये आपको सेम ही आउटपुट निकाल कर देगा। तो ये जी वन और जी टू क्या कर रहे हैं? हमें सेम आउटपुट निकाल कर दे रहे हैं, सेम आउटपुट फॉर सेम इनपुट, सेम इनपुट इनमें आप डाल रहे हैं, तो ये सेम ही आउटपुट निकाल कर दे रहे हैं। और इनके कोडोमेन और डोमेन भी सेम है। इसका मतलब क्या है? जी वन जी टू अलग अलग फंक्शंस हैं ही नहीं, जी वन और जी टू तो सेम ही फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि एफ हैज़ यूनिक इनवर्स। ये जो जी वन जी टू हम दो इन्वर्स सोच के चल रहे थे एफ के, ये एक्चुअल में अलग अलग है ही नहीं, ये तो एक ही फंक्शन है। तो एफ का सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्वर्स होगा, इसके दो इन्वर्स या दो से ज़्यादा इन्वर्स नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्वर्स होगा, यूनिक इन्वर्स होगा। ठीक है, कैसे किया हमने? हमने अज्यूम कर लिया कि एफ के दो इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो दोनों इन्वर्स कहाँ से कहाँ डिफाइंड होंगे? वाई टू एक्स, यानी इनके डोमेन और कोडोमेन सेम है। और क्योंकि जी वन भी एफ का इन्वर्स है और जी टू भी एफ का इन्वर्स है, तो अगर हम एफ की जी वन के साथ कंपोजिशन बनाएंगे, वो भी हमें आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट वाई देगा, और जी टू के साथ कंपोजिशन बनाएंगे, वो भी आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट वाई देगा। यानी एफ की जी वन के साथ कंपोजिशन एफ ऑफ जी वन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी टू वाई। यानी एफ में आप जी वन वाई डाल रहे हैं, वो इक्वल है एफ में आप जी टू वाई डाल रहे हैं। और क्योंकि एफ एक बाइजेक्शन है, क्योंकि वो इन्वर्टिबल है, तो वो बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन है तो वो वन वन फंक्शन है। वन वन फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो इनपुट आप एफ को दे रहे हैं, ये एक्चुअल में सेम वैल्यू है, तभी ये सेम इमेज निकाल कर दे रहे हैं। यानी जी वन वाई इज इक्वल टू जी टू वाई। यानी जी वन और जी टू ऐसे फंक्शंस हैं जिनमें आप अगर वाई डालते हैं, या आपको सेम इमेज निकाल कर देते हैं, कुछ भी आप डालते हैं या आपको सेम इमेज निकाल कर दे रहे हैं। इसका मतलब जी वन और जी टू अलग अलग फंक्शंस नहीं है, ये एक्चुअल में सेम ही फंक्शन है। यानी एफ का सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स है। 11th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर अ फंक्शन फ्रॉम सेट 1 2 3। एक फंक्शन है हमारा, कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? 1 2 3। उसके अंदर सेट ए है कोई, सपोज कीजिए ये, और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और सेट बी तक ये डिफाइंड है। सब कोडोमेन है सेट बी, जिसमें है ए बी सी, तीन एलिमेंट्स हैं।
और ये फंक्शन कैसे गिवन है, इसमें हम 1 डालते हैं तो ए देता है। लिख लेते हैं इसको, एफ फंक्शन किसके इक्वल है, क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर इसमें आएंगे। एफ में 1 डाल रहे हैं तो आपको ये ए दे रहा है, 1 डाल रहे हैं तो ए दे रहा है, 2 डाल रहे हैं तो बी दे रहा है, तो 2, b इसको बिलोंग करेगा, 3 डाल रहे हैं तो सी दे रहा है, तो 3, c भी इसको बिलोंग करेगा। फाइंड एफ इनवर्स, एफ इनवर्स फाइंड कीजिए। एफ इनवर्स क्या करेगा, जो ये कर रहा है, एफ जो कर रहा है उसका जस्ट अपोजिट काम करेगा। तो एफ क्या कर रहा है हमारा, 1, 2, 3 से ABC तक ये डिफाइंड है, ये है हमारा सेट ए और ये हमारा सेट बी। एफ फंक्शन तो क्या कर रहा है, 1 डालने पर ए दे रहा है, 2 डालने पर बी दे रहा है, 3 डालने पर सी दे रहा है। तो एफ इनवर्स क्या करेगा, इसी का उल्टा करेगा, ए डालने पर 1 देगा, बी डालने पर 2 देगा, सी डालने पर 3 देगा। तो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर इसमें आएंगे, ए डालने पर 1 दिया, बी डालने पर 2 दिया और सी डालने पर 3 दिया। फिर ये कह रहे हैं शो दैट इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ। तो ये एफ इनवर्स का भी हमें इनवर्स निकालना है। एफ इनवर्स का इनवर्स क्या करेगा, जो काम एफ इनवर्स ने किया है उसका अपोजिट हमें करके देगा। तो ये कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, वापस से ए टू बी, एफ इनवर्स का इनवर्स, इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। ये क्या करेगा, इसमें आप 1 डालोगे फिर से ए दे देगा, 2 डालोगे फिर बी दे देगा, 3 डालोगे फिर सी दे देगा। जो एफ इनवर्स ने किया उसका जस्ट अपोजिट कर रहा है। तो इसमें आप 1 डालोगे ए देगा, 2 डालोगे बी देगा, 3 डालोगे सी देगा। ये कौन सा फंक्शन बन गया, ये तो वापस से हमारा एफ फंक्शन ही बन गया। यानी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ, इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ, यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। 12th क्वेश्चन पर आते हैं। एफ एक फंक्शन है जो डिफाइंड है एक्स टू वाई, और ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। शो दैट इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ। ये तो हमने अभी पिछले वीडियो में भी किया था जब हम इन्वर्टिबल फंक्शंस की प्रॉपर्टी देख रहे थे। प्रूव क्या करना है हमें, इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, एफ इनवर्स का इनवर्स एफ के ही इक्वल है। जो हमने पीछे अभी एग्जाम्पल लेकर किया था यही बात हमें प्रूव करनी है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि एफ एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है फ्रॉम एक्स टू वाई। तो एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, एफ इनवर्स डिफाइंड होगा फ्रॉम सेट वाई टू सेट एक्स। और एफ इनवर्स का इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, अब ये डिफाइंड होगा, ये वैल्यूज़ कौन सी लेगा, ये वाली वैल्यूज़ लेगा और ये वाली वैल्यूज़ बनाएगा। तो ये डिफाइंड होगा एक्स टू वाई। तो इसका मतलब क्या है, एफ और एफ इनवर्स के इनवर्स दोनों की डोमेन और कोडोमेन सेम है। तो इन दोनों में हमें क्या दिखाई दे रहा है, सेम डोमेन एंड कोडोमेन, दोनों के डोमेन और कोडोमेन सेम है। ये तो सेम होने ज़रूरी हैं तभी कोई दो फंक्शंस इक्वल हो सकते हैं। तो हम इन दो फंक्शंस को इक्वल करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले डोमेन और कोडोमेन तो हम इनके चेक कर ही लेंगे। अब आगे हम प्रूव करते हैं। आगे हमें क्या देखना है कि जो भी वैल्यू आप इसमें डालोगे, सेम वैल्यू अगर आप इसमें डालते हो तो दोनों हमें सेम ही इमेज निकाल कर देंगे। तो f हमारा फंक्शन है एक जिसमें आप x डालते हैं, तो सपोज़ कीजिए ये आपको y बनाकर देता है। इसका मतलब क्या है, f इनवर्स एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें आप ये y डालोगे तो वो आपको वापस से x बनाकर देगा। इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन का अगर इनवर्स होगा तो वो क्या करेगा, उसमें आप x डालोगे ये वापस से आपको y बनाकर देगा। यानी f इनवर्स का इनवर्स, इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें आप एक्स डालोगे तो ये आपको वाई बना कर देगा। और वाई किसके इक्वल है, वाई तो इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, तो वाई की जगह हम एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप एक्स डाल रहे हो तो वो किसके इक्वल है, एफ में अगर आप एक्स डाल रहे हो उसके इक्वल है। यानी ये फंक्शन एफ इनवर्स का इनवर्स और एफ फंक्शन हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन था, इन दोनों फंक्शंस में जब आप एक्स डालते हो यानी कोई भी वैल्यू आप डालते हो तो हमें सेम इमेज ये निकाल कर देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये दे रहे हैं हमें सेम आउटपुट फॉर सेम इनपुट्स। अगर हम इनमें सेम इनपुट्स डाल रहे हैं ये हमें सेम आउटपुट्स निकाल कर दे रहे हैं। इसका मतलब इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ।
डोमेन कोडोमेन भी इनका सेम है, और सेम इनपुट डालने पर ये सेम आउटपुट ही निकाल कर देते हैं। इसका मतलब ये दोनों फंक्शन सेम ही फंक्शन है, ये अलग अलग फंक्शन नहीं है। 13 क्वेश्चन देखते हैं जो कि एमसीक्यू है। क्या कह रहे हैं इसमें, एफ एक फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर, इसका डोमेन भी रियल नंबर से है और कोडोमेन भी रियल नंबर है, और फंक्शन हमें क्या कह रहा है, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस x³ और इस पूरे की पावर है 1/3। हमें एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है, एफ ऑफ एफ एक्स यानी एफ की खुद के साथ ही कंपोजिशन अगर हम बनाएंगे तो वो फंक्शन, वो कंपोजिट फंक्शन हमें क्या वैल्यू निकाल कर देगा। तो एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है कि एफ के अंदर ही हम डाल रहे हैं एफ एक्स की वैल्यूज़। पहले एक्स की वैल्यूज़ हमने एफ को ही दी, उसने उसकी इमेज बनाई और वही सेम इमेज हमने फिर से एफ फंक्शन को दी। तो एफ के अंदर हम डाल देते हैं एफ ऑफ एक्स, तो एफ को क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स क्या है, ये पूरी वैल्यू जो हमने ऊपर लिखी है। तो एफ में हमें डालना है 3 माइनस x³ की पावर 1/3, ये डालना है। तो जहाँ कहीं भी एफ एक्स में एक्स लिखा हुआ है वहाँ पर हमें ये वैल्यू डालनी है। तो 3 तो है ही माइनस, अब एक्स की जगह हमें क्या डालना है, 3 माइनस x³ की पावर 1/3। ठीक है, ये तो पूरा हमने डाल दिया किसकी जगह, एक्स की जगह, और एक्स का भी क्या हो रहा है क्यूब, तो इसका हमें पूरे का करना पड़ेगा क्यूब, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, और इस पूरे का फिर क्या हो रहा है, उसके बाद इस पूरे की पावर है 1/3। 3 माइनस x की जगह हमने ये सारी वैल्यू डाल दी और उस पूरे का हो रहा है फिर, उस पूरे की पावर है 1/3। तो आप देखेंगे ये 3 से 3 तो आपका यहीं पर कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बनेगा, 3 माइनस, यहाँ अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, यहाँ बचा है क्योंकि ये 3 से 3 तो कट ही गया, तो यहाँ बचा 3 माइनस x, ये बचा। ठीक है, और इस पूरे का हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे का ये जो पूरा है इस पूरे का हम कर रहे हैं क्यूब, 3 माइनस x³। और यहाँ पे शायद थोड़ा सा गलत हो गया, इसको हम ठीक कर लेते हैं। ये जो हमने यहाँ 3 से 3 काट दिया, ये एक्चुअल में ऐसे नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर तो 3 भी, ये 3 माइनस x³ था एक्चुअली हमारे पास और उसकी पावर थी 1/3, ऐसा कुछ हमारे पास था। तो ये हमें क्या मिल रहा था, इस पूरे की 3 माइनस x³ की पावर थी 1/3 और इस पूरे की पावर थी फिर 3। ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास यहाँ पर हमें आता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो इस पूरे की पावर है हमारे पास 1/3 और ये इस पूरी टर्म की पावर जो हमने यहाँ पर एक्स की जगह डाली थी, इस पूरे की पावर है 3। तो ये 3 से 3 यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल और बचेगा क्या हमारे पास, 3 माइनस 3 माइनस x³, ऐसा बचेगा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर, और इस पूरे की पावर क्या होगी, 1/3। तो ये और अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो एक इसके इक्वल आएगा, यहाँ पर आएगा 3, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 3 माइनस 3 प्लस x³ और उस पूरे की पावर है 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया, x³ की पावर 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनली वैल्यू निकल कर आई x। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। और यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि f का खुद के साथ में जब हमने कंपोजिशन बनाया तो हमें क्या मिला, आइडेंटिटी फंक्शन ही मिला, x वैल्यू हमने इसमें, जो वैल्यू हमने इसमें डाली थी वही वैल्यू ही निकाल कर दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर f खुद का इनवर्स होगा, f इज इनवर्स ऑफ इट सेल्फ, जैसा हमने पीछे कभी क्वेश्चन में भी देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू थोड़ा सा ध्यान से डालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है जब आप 3 माइनस x³ और इस पूरे की होल की पावर 1/3 x की जगह जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान से आपको कैलकुलेशंस यहाँ करने पड़ेंगे। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ एक फंक्शन है फ्रॉम आर -4/3, ये इसका डोमेन है, टू आर ये इसका कोडोमेन है,
और ये फंक्शन कैसे डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4। द इनवर्स ऑफ एफ इज द मैप जी, मैप यानी फंक्शन। ये कह रहे हैं इस एफ का फंक्शन, इस एफ फंक्शन का इनवर्स है एक दूसरा फंक्शन जी जो कि डिफाइंड है फ्रॉम रेंज ऑफ एफ टू आर माइनस 4/3, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4/3, और वो इनवर्स इनमें से क्या होगा। अब ये जो जी है यानी एफ का इनवर्स है, ये डिफाइंड है कहाँ से कहाँ तक, ये डिफाइंड है रेंज ऑफ एफ से लेकर ऑल रियल नंबर्स माइनस 4/3। इसका मतलब क्या है, जिस फंक्शन का हम इनवर्स निकाल रहे हैं यहाँ पर, वो फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, वो फंक्शन हमारा डिफाइंड है आर माइनस 4/3 से। यहाँ पर हम पूरे को डोमेन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं सिर्फ रेंज ऑफ एफ, एफ की रेंज तक की ही हम बात कर रहे हैं, सिर्फ इतने इसी फंक्शन को हम इन्वर्ट कर रहे हैं, सिर्फ इसी का इन्वर्स हम फाइंड कर रहे हैं। तो अगर को डोमेन में कोई ऐसे नंबर्स हैं भी, ऐसे कोई एलिमेंट्स हैं भी जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हम इन्वर्स देख रहे हैं वो कहाँ से कहाँ देख रहे हैं, रेंज ऑफ एफ से लेकर जो भी हमारे एफ का डोमेन था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि क्योंकि को डोमेन और रेंज इक्वल हैं, को डोमेन और रेंज यहाँ पर इक्वल है, को डोमेन हम लेकर ही क्या चल रहे हैं, को डोमेन हम रेंज ऑफ एफ को ही लेकर चल रहे हैं, इसका मतलब ये एक ऑन टू फंक्शन तो है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। क्या ये फंक्शन 1-1 भी है, ये भी चेक कर लेते हैं। तो 1-1 के लिए हम क्या देखेंगे, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, यानी 4x1 अपॉन 3x1 प्लस 4, ये इक्वल है 4x2 अपॉन 3x2 प्लस 4 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 12x1 x2 प्लस 4 की मल्टी, 4x1 की मल्टीप्लाई की हमने 4 में, 16x1 इज इक्वल टू 12x1 x2 इनकी मल्टीप्लाई करी, और फिर 16x2 ये तो कैंसिल ही हो गए, हमें क्या मिल गया 16x1 इज इक्वल टू 16x2, 16 से 16 भी कैंसिल हो गए, इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2, यानी ये फंक्शन 1-1 फंक्शन भी है। तो ये 1-1 भी है, ऑन टू भी है, तो यानी ये इन्वर्टिबल तो है। तो f इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं, हमें फंक्शन गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, यानी y इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4। हम क्या करेंगे, x को निकालेंगे y की टर्म्स में, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3xy + 4y इज इक्वल टू 4x, x की टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और y की टर्म को एक तरफ रहने देते हैं। तो 4y को तो हमने एक तरफ एज इट इज़ रख दिया, 3xy को उठाकर हम इधर ले आए, तो ये क्या आ गया 4x - 3xy। इसका मतलब क्या है, x अगर हम इसमें से कॉमन निकाल लें, 4 - 3y (x = 4y, यानी x किसके इक्वल है, x इक्वल है 4y/4 - 3y के, और x क्या है, x ही है f इनवर्स y, तो f इनवर्स y किसके इक्वल है, f इनवर्स y इक्वल है 4y - 4y/4 - 3y। अब देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, f इनवर्स को अगर हम g फंक्शन कह रहे हैं तो ये gy इक्वल है किसके, 4y वाले दो हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें नीचे क्या चाहिए 4 - 3y, तो हमारे पास आंसर कौन सा निकल कर आया, ये। तो ये जो फंक्शन g है यही है हमारा f इनवर्स ऑफ y, f इनवर्स y इज इक्वल टू 4y/4 - 3y, तो ऑप्शन b इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन आया था ऑप्शन सी, और यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन आया है ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी ख़त्म होती है आज एक्सरसाइज 1.3। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशंस जो इससे अगला टॉपिक एनसीईआरटी में आपके गिवन है, वो तो टॉपिक आपके सिलेबस से हट चुका है, तो उसको तो हम अब डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसके बाद सीधा मिसलेनियस के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो बाय, टेक केयर।